कि ऐसे ऐसे मतलब बहुत ज्यादा हमसे एक्सपेंडिचर ले लिया गया, खर्चा ले लिया गया है, तो उस पूरे केस के बारे में थोड़ा व्यूवर्स को बताएं क्या मैटर है। थोड़ा मैटर ये है कि ये विक्की गुदारा का एक मरीज जिसका नाम रविंदर था, ये कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट थे सर की चोट के कारण। वहाँ पर ये लोग एडमिट हुए और मैं महात्मा गांधी मेमोरियल सर्जन हूँ, इन हॉस्पिटलों में हमें कॉल पे बुलाया जाता है। तो रात में जब 11 बजे मरीज का एक्सीडेंट हुआ तो हमें कॉल पे बुला गया, हम अपनी एडवाइस वहाँ देने जाते हैं, हमें अपनी एडवाइस दी और मरीज कल से मतलब उसके बाद से हम मरीज इम्प्रूवमेंट में आने लगा और इसका वेंटिलेटर से मरीज उतर गया। उसके बाद फिर हमें 3 दिन बाद मुझे दोबारा बुलाया जाता है कॉल के लिए कि डॉक्टर साहब आपकी एडवाइस चाहिए, मैं मरीज को बुखार आ रहा है उस हिसाब से। तो हमारा ये रहता है कि जब कॉल पे सामने वाला डॉक्टर बुलाएगा हम तभी जाते हैं, अपनी मर्जी से हम नहीं जाते वहाँ भी। तो वो बुलाया तब भी हमने फिर अपना एडवाइस दिया, वहाँ पर मरीज थोड़ा बुखार उतरा, ठीक होने लग गया। उसके बाद फिर कोई 3 4 दिन तक हमें कोई मुझे कॉल नहीं आती, क्योंकि वहीं का डॉक्टर देखता, वहीं का डॉक्टर ट्रीट करता है इसे। तो उसके बाद फिर मरीज जब बिगड़ने लगा तब इस विक्की गुदारा या जो ये है वहाँ पर, शायद जो मुझे सुनने में आया कि वहाँ कृष्णा हॉस्पिटल में उन्होंने वहाँ नर्सिंग स्टाफ से लड़ाई झगड़ाई की, तो वहाँ से उनको रेफर करने का उन्होंने मन बनाया। तब ये लड़का मेरे पास आया था, बोला सर आप बताइए हम क्या करें। तब मैंने कहा था कि आप किसी भी और अस्पताल में जा सकते हैं जहाँ पर ICU केयर अच्छी हो, जहाँ पर इन्फेक्शन रेट कम हो। उनके बाद ये यहाँ से जिंदल चले गए। जिंदल में तब डॉक्टर साहब ने देख के वहाँ शायद इनको ऑपरेट के लिए बोला और ऑपरेशन होने के बाद ये वहीं पर ही जिंदल में ही ऑपरेशन, वहीं एडमिट रहा। अब ये एक बात आ रही है कि ये लड़का मुझे बार बार इस बात के लिए हरास कर रहा है कि जी जो ऑपरेशन 8 दिन पहले होना चाहिए था आपने क्यों नहीं किया। मैंने समझाया भी तब इन्फेक्शन नहीं था और ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, तब हमारे हिसाब से एडवाइस चली और ठीक हुआ तो वहाँ पर थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट भी आई। अब बीच में उसके क्योंकि जो डॉक्टर वहाँ देख रहा है जिसके अंदर ये एडमिट है, ये वहाँ का बनता है कि हाँ भी इसको जो भी आगे इलाज चल रहा है, अब जो भी इन्होंने टेस्ट कराए, जो भी चीज़ें वहाँ दी हो हॉस्पिटल को ही इन्होंने पे किया, वहीं हॉस्पिटल को दिया। अब हमारा इसमें तो एडवाइस का रोल बनता है, ये है सारी बातें। जब आपने फर्स्ट टाइम पेशेंट को देखा तो उस वक्त वो किस हालात में था, क्या क्या चीजें हुई थी? पेशेंट वेंटिलेटर पे था बट उसकी पुतलियाँ काम कर रही थी और पेशेंट का CT स्कैन हमने कराया। उसके बाद से हमने जो ट्रीटमेंट दिया उसको सुधार आने लगा, 2 से या 3 दिन वो वेंटिलेटर से निकल भी गया। तो इसका ये मानने होता है कि भाई जो इलाज चल रहा है वो ठीक चल रहा है, तभी जाके वेंटिलेटर से उतरने में उतरता क्यों हो। सर, आपने SHO को कंप्लेंट की, उसके पीछे की वजह क्या थी, उन्होंने ऐसा क्या किया था? उसकी वजह ये थी कि इसने मुझे दिन में 2 2.5 बजे कॉल करके ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया कि जी हम तो जिंदल में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन में कह दिया है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तब मैंने इसको तभी फ़ोन में समझाया था, मैंने उस वक्त भी जरूरत नहीं थी, मरीज की कंडीशन बदलती और ये सब रहती है क्योंकि ऐसे मरीज चेस्ट इन्फेक्शन जाते हैं। जो छाती के डॉक्टर थे वहाँ तो या तो कोई छाती का देखने वाला है ही नहीं या उन्होंने छाती के डॉक्टर इसको बुलाया नहीं, जिससे इन्फेक्शन बढ़ गया उनका। फिर इसने मुझे 3 4 फोन करके बोला डॉक्टर साहब मैं आपको रात भाई आप हमसे मिलो आके। तब मैंने यह सोच के पेशेंट के कि भी अटेंडेंट को कई बार कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ समझाने की जरूरत पड़ती है, तो हम उससे मिलने चले गए कृष्णा हॉस्पिटल रात को 8:30 बजे। वहाँ इसने मेरे साथ ऊंची ऊंची आवाज में बात करना, गाली गलौज करना, मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था और ये 3 4 जने थे वहाँ, हमने इस चीज़ की गाली गलौज ये सब करी। उस चीज़ की मैंने आगे जाके SHO कंप्लेंट करी, क्योंकि अगले दिन भी इसने मुझे फ़ोन कर करके हरासमेंट 4 5 बार शुरू मतलब करी रखी है, दोबारा मिलो दोबारा मिलो। तो जब रात को मिलने क्या जो इसने वहाँ सीन क्रिएट किया था, जिस हिसाब से हमारी बात सुनी ही नहीं ना ऊपर रखने दी, उसके कारण चलते मेरा भी दूसरी बार भी बुलाएगा तो ऐसा ही करेगा, इस करके हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए SHO को कंप्लेंट लिखी। तो क्या तब तक इनका पेशेंट जीवित था वो जब आपको हाँ कॉल जब तक करके उनका बुला रहे थे? पेशेंट जिंदल में था जीवित था और ये इसी चीज़ के लिए थी कि हम तो अब आगे इसका क्या मोटिव है उनका क्या रहा अब वो वही जाने। अब हम तो भी अपने हिसाब से जो हमें चीज़ें हैं वो हम वही कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आज वो धरना कर रहे हैं उसमें आपका भी नाम शामिल किया है, तो क्या ज्यादा खर्चा की वजह से वो जो रिकवरी चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा, आपको क्या लगता है? जी अब उनकी मंशा देखो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलाज पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि मैं वहाँ सिर्फ गया ही 4 बार हूँ या 5 बार, उन्हें बुलाया ही मुझे इतनी बार है, तो मैं तो अपना बस हमारी जो उस वहाँ का एडवाइस देने का तक का काम होता है हम तो वो करते हैं। अब इसका क्या मोटिव है, ये हॉस्पिटल से इसका क्या वो है कि जो भी मान लो अगर ये अपने कोई नुकसान हुआ है इसका जो चार वो हॉस्पिटल से बात करे, भाई मेरा तो उसमें रोल संभाल सिर्फ एडवाइस तक का रहता है। अब आगे उसके हॉस्पिटल वालों से क्या बात हुई है, चल रही है नहीं चल रही, अब ये भाई वो ही बेहतर जानेगा। अब मेरा तो काम, हमारा तो देखो इतने मरीज हम ट्रीट करते हैं, 5 साल हो गए हम ट्रीट करते करते, क्या
कितने मरीजों को तो हम रोज 10-15 हजार तो यूं ही डिस्काउंट कर देते हैं। अब क्या मैं 1,000 रुपये के लिए वहां जाऊंगा? हमारा तो मोटिव ही रहता है कोई गरीब का बच्चा है, कुछ अभी किसी का कोई इलाज हो जाए ठीक है, इतना रहता है। तो आप अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब अपील करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग आपको देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हाँ, भी मैं आप तो ये समस्या सुन अपील रहे करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई इस तरीके की जो वारदातें ये हो रही हैं, भाई इनको तो पहले समझना चाहिए। भाई मुझे तो यही होता है, लग रहा है कि भाई ना तो इसको समझ में आ रही चीजें, भाई होता कैसे है, भी कोई डॉक्टर विजिट के लिए आता है, किसके अंडर एडमिट है क्या है? अरे इनको सिर्फ मेरा नाम पता था इसलिए ही ये इश्यू क्रिएट कर रहे हैं इस चीज का। बाकी जो 90% चीजें वहां पर जो हुई है इन पे इनको कोई ध्यान ही नहीं है। भाई पैसे ना तो हमने लिए, हॉस्पिटल को दिए, वहां जितने टेस्ट उस डॉक्टर ने कराए, हम तो भी जब इनको ये लगता कि विजिटिंग कॉल पे है अब हम तब जाके विजिट करते हैं। अगर बात के लिए पेशेंट की, क्या वो अभी जीवित है या? हाँ, इसके बारे में जब वो जिंदल हॉस्पिटल में थे, अब उसके बारे में हमारा है नहीं कि भी वहाँ चल रहा है इलाज, अब क्या हो रहा है उनके साथ, अब ये तो वो ही बता पाएंगे, हम इसकी बात खबर है नहीं हमें। पहले वो कृष्णा हॉस्पिटल में थे, उसके बाद उन्हें सीधा जिंदल हॉस्पिटल ले गए हैं, उससे पहले भी कहीं और लेकर गए हैं। वो जिंदल कृष्णा से यहाँ से जिंदल हॉस्पिटल ही ले गए थे, और वहीं से फिर उसने मुझे फोन किया था अगले दिन कि जी हम ऐसे ऐसे यहाँ लेके आए, नया डॉक्टर ने भी ऑपरेशन किया, तो आप भैया हमें बताएं ये करें, तो हम लोग समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता नहीं वो समझने को तैयार है। क्या कोई धमकी भी आई आपको टेलीफोन की? टेलीफोनिकली धमकी तो बस वो मिलने के लिए कह रहा था कि आप मिलो नहीं तो मैं फिर आपका भाई शहर में नाम बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा, देखता हूँ मैं कैसे आप किसी काम फोटो और करते हो। वीडियो के भी नाम बीच में आ रहा है, कैसा कुछ भी उन्होंने बनाया हुआ है। पहले कोई एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी उन्होंने किसी और के थ्रू, किसी कोई लड़की का है कोई ग्रुप, वो उसका शायद क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल होती है जो, उसके थ्रू उन्होंने एक बार डाला था। अब वो भी भाई जब जाती है चीजें तो कहीं ना किसी के थ्रू जैसे आती है, तो उसको तो चलो क्या करे अब, लेकिन ये है कि भी समझना जरूरी है, हम ये इलाज करने के लिए हैं और किसी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ा ना हमसे। 5 साल में इतने लोगों का इलाज करते, लोग समझते हैं सारी, अगर मैं ही भगवान होता तो फिर तो कोई मरता ही नहीं पेशेंट, तो सारे मेरे पास ही आते, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस मरीज जिस हॉस्पिटल में मरीज एडमिट होता है, जो प्राइमरी डॉक्टर होता है, सारी मतलब जिम्मेवारी एक उसकी होती है, वो देखता है पेशेंटों को, और इतना अटेंडेंट पेशेंट के अटेंडेंट को समझना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वहाँ बच्चों के डॉक्टर का हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज है, चलो शुरू में आप ले गए हमने मान लिया कि फर्स्ट एड के ले जाता है, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन सबको पता चलता है, इनको क्या वहाँ ये दिखाई नहीं कि और कोई डॉक्टर है ही नहीं वहाँ, ना उन्होंने पूछने की कोशिश की ना कुछ। अब लास्ट में सारा जब इस तरह की कोई बात हुई, पेशेंट में कोई बिगाड़ हुआ, तो सारा ये हो गया, हाँ जी जो डॉक्टर भी किसी ने जो देखने आए थे भी उन्हीं का सारा हो गया, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर साहब, आप एक रिनाउंड डॉक्टर हैं, हिसार में लंबे समय से आप सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके डॉक्टर का जो सर्कल होता है, लोबी होती है डॉक्टर्स की, क्या वहां पर भी आपने इस मैटर को हाँ लेके इस चर्चा? मैटर